So students, after learning so many properties about square and square roots, now I am going to start exercise 6.1, NCERT, exercise 6.1. First question is, what will be the unit digit of the squares of the following. कुछ numbers दिए हुए हैं और उनमें हमें square of the unit digit बताना है. सबसे पहले unit digit क्या होता है, जो last का right से जो start होता है, that is unit place, right? So number is 81 and your unit digit is 1. But you don't need to find the unit digit, you need to find the square of the following. Means, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? Unit digit is 1 and square of unit digit is, unit is also 1 because the square of 1 is equal to 1, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो योर आंसर विल बी 1. बट ये क्या है, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट. सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट फाइंड करी, देन उसका स्क्वायर निकाला, ठीक है. दूसरा 272, नंबर इज 272 एंड द यूनिट डिजिट इज 2, बट योर आंसर विल बी 4. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट. तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है. यूनिट डिजिट आप लिखेंगे सबसे पहले इज 2 एंड स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट मींस 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. हम ऑलरेडी स्क्वायर में सब कुछ पढ़ चुके हैं, स्क्वायर मींस 2 इंटू 2, सो योर आंसर विल बी 4 नॉट 2, राइट. थर्ड, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है, तो मैं अब इसको स्पीड में लूंगी. यूनिट डिजिट इज 9, सो योर आंसर विल बी 9 स्क्वायर मींस 81, ठीक है. अभी आपका आंसर 81, सो आपका आंसर क्या होगा, 81 नहीं होगा. उनने पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, आफ्टर स्क्वायरिंग जो यूनिट डिजिट आएगी अब वो आपकी क्या होगी, 1 होगी, नॉट 81. 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, राइट. 9 का स्क्वायर हम करेंगे बट यूनिट डिजिट उसमें से जो हम आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज 1. अगला क्वेश्चन है 3853, मींस आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ 3, तो क्या आया 9. अब ये सिंगल नंबर है, मींस दिस इटसेल्फ इज अ यूनिट डिजिट, तो योर आंसर विल बी 9. लेट सपोज ये कुछ ऐसा आंसर आता, लाइक यहाँ पे नंबर होता 3857, तो आप क्या करते, 7 का स्क्वायर करते विच इज इक्वल टू 49. तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता 9 ओनली. व्हाई? बिकॉज यूनिट डिजिट इन 49 इज 9. 49 जरूर आया है 7 का स्क्वायर, बट आपका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता, 9. मींस दे आर आस्किंग कि जो यहाँ पर यूनिट डिजिट है क्वेश्चन में, उसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है. लेट जैसे हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है 3857, सो व्हाट वी विल डू, 3857 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे. तो दे वॉन्ट टू चेक कि लास्ट डिजिट क्या होगा, जब ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई होगा एंड आपको कहीं 49 मिलेगा, तो लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज क्या होगा, 9 होगा, ठीक है. ये क्विक पहचान वो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना है. इसके बाद फिफ्थ है 1234, यूनिट डिजिट क्या है आपकी, 4. सो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट इज 4 स्क्वायर मीन्स 16, सो योर आंसर विल बी 6, क्योंकि इसमें से हमें केवल क्या बताना है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है. 6th 26387, सेम पैटर्न, आप स्क्वायर ऑफ यूनिट
डिजिट निकालेंगे विच इज 7 स्क्वायर, सो 49, बट योर आंसर विल बी ओनली 9, जो लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट पे जो है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद है 7th, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 5, 2, 6, 9, 8। अगेन आप यहाँ करेंगे स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट मीन्स 8 स्क्वायर, स्क्वायर कितना होगा 8 स्क्वायर, 64, सो योर आंसर विल बी ओनली 4, राइट। बार बार मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस ले दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जब इस नंबर को हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट कंफर्म जो है वो 4 आएगी, मीन्स यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा, ठीक है। 8th, 9, 9, 8, 8, 0। अगेन यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट मीन्स 0 का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है 0, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, तो योर आंसर विल बी 0। 9th, 9th इज 1, 2, 7, 9, 6, सो अगेन आप वही करेंगे स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट मीन्स 6 स्क्वायर, सो आपके पास क्या आएगा 36, बट योर आंसर विल बी 6 ओनली, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेना है, ठीक है। लास्ट इसका है पेंटा 5, 5 times 5, मैं इसको फर्स्ट वाले को रब कर देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें। लास्ट क्वेश्चन 10th है, फर्स्ट का 10th पार्ट, पेंटा 5, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, वो क्या है 5, सो 5 स्क्वायर इज 25, बट योर आंसर विल बी ओनली 5, जो लास्ट डिजिट है और राइट से हम कहें तो यूनिट डिजिट है, दैट विल बी योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कितना भी बड़ा नंबर दे दें एंड इफ दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट, तो लास्ट डिजिट जो होगा नंबर का, लेफ्ट से राइट देखें तो लास्ट नंबर और राइट से लेफ्ट देखें तो फर्स्ट नंबर। यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए, प्लेसेस सारी पता है, दिस इज यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसका आप क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, और स्क्वायर सपोज दो नंबर आ रहे हैं, 49 आया या 25 आया, तो उसमें से केवल आप यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो आंसर में लिखेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज वेरी सिंपल। नाउ अनदर क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स इन क्वेश्चन दे आर ऑलरेडी मेंशनिंग दैट जो भी नंबर दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें केवल रीजन लिखना है कि व्हाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन, मीन्स आपने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है वो यहाँ पर रिकॉल हो जाएंगी, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको रीजन देना है कि वाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1057, मीन्स हमें इसका स्क्वायर या कुछ स्क्वायर रूट ऐसा कुछ फाइंड नहीं करना है, केवल हमें यह जज करना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। हम लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट राइट से देखें तो यूनिट, नंबर को देखें तो लास्ट नंबर, उसको चेक करेंगे व्हाट इट इज 7, 2, 3, 7, 8, अ नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे नंबर जिनका एंड जो है मीन्स जिनकी यूनिट प्लेस जो है इफ इट इज 2, 3, 7, 8 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी कि नंबर कोई भी हो अगर उसमें नंबर ऑफ जीरो जो है ऑड हो, लाइक 8, 9, कुछ भी ले लें आप, 000,
या आप ले लें 8100, या आप ले लें 900, एंड आप ले लें 9000, एक जस्ट एग्जाम्पल टू रिकॉल ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट। अगर हमारे पास जीरो के ऐसे केस हैं तो हम क्या करते हैं, जीरो कितने हैं उसे काउंट करते हैं। नंबर ऑफ जीरो आर ऑड और इवन, लाइक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जीरो कितने हैं, 1 2 3, मीन्स वी काउंट द जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज आर 3, 3 इज अ ऑड नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, या इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो वो नहीं आएगा। सिमिलरली ये आपका 900 है, दो जीरो हैं, नंबर ऑफ जीरोज आर इवन, इवन है तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और ऑब्वियस है 900 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 30। सो 30 का स्क्वायर अगर हम करें विच इज इक्वल एन टू 900, मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ जीरो काउंट करेंगे, जीरो जीरो मीन्स टू है, टू है मीन्स इवन है, इफ नंबर ऑफ जीरोज आर इवन मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप देखेंगे 90 का स्क्वायर इज 8100, बट अब 89000, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3, 3 इज अ ऑड नंबर, सो 81000 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है मुझे भी नहीं पता, मीन्स ये नहीं है, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, ऑड है, 3 है। अब हम एक फर्स्ट वाला देख लें, नंबर ऑफ जीरो 1 है, मीन्स यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो नंबर ऑफ जीरोज पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो दोज नंबर्स विच एंड विद 2 3 7 8, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीजन देना है। सो फर्स्ट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज एंडिंग विद 7, राइट। तो आपका इसका आंसर होगा एंड्स विथ 7, सो 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सब में मैं रीजन नहीं लिखूंगी, मैं केवल आपको बता दूंगी। सेकेंड इज 2 3 4 5 3, आप केवल लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट चेक करेंगे विच इज 3। आप लिखेंगे एंड्स विद, नंबर एंड्स विद 3, सो द 2 3 4 5 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। थर्ड जो होगा आपका 7 9 2 8, अगेन यहाँ पर इट इज एंडिंग विथ 8, तो रीजन विल बी सेम, नंबर्स एंड विथ 8, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बाकी मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, पेंटा 2 दिया हुआ है, 5 टाइम्स 2, बट नंबर जो है वो एंड हो रहा है 2 से, तो व्हाट विल बी योर रीजन, नंबर इज एंडिंग विथ 2, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपका फिफ्थ जो है 64000, फोर्थ हमने ओरली कर लिया, फिफ्थ इज 64000, ये हो सकता है बट हम जीरो काउंट करेंगे, ठीक है। जीरो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज आर 3, 3 इज एन ऑड नंबर, ये ऑड है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर ये क्वेश्चन 6400 होता तो ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होता। वाई सो, यस बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज आर इवन, और इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 6400 होता भी है 80 का स्क्वायर, बट आवर क्वेश्चन वॉज 64000 नॉट 6400, तो 1000 होने से इसका आंसर भी क्या होगा, बिकॉज ऑफ जीरो, बिकॉज ऑफ नंबर एंड्स विद जीरो या ऑड जीरोज, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद है आपका सिक्स्थ, सिक्स्थ इज 8 9 7 2, तो रीजन क्या होगा, नंबर इज एंडिंग विद 2 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेवेंथ है, अगेन इसमें जीरो आ रहा है, 2 2 2 0 0 0, तो आपका रीजन वही होगा, नंबर इज एंडिंग विद 0, और एंड कितने जीरो से एंड हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ जीरो से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एंड लास्ट जो है आपका दिया है सेवेंथ है, एट्थ आई थिंक 5050,
0. अगेन यहाँ पर 0 से एंड हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो रीजन आपको वही देना है सब क्वेश्चन में, बट आपको समझने के लिए पता होना चाहिए 2, 3, 7, 8 अगर एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. और जीरो वाले क्वेश्चन में आपको जीरो की क्वांटिटी को चेक करना है. ठीक है, सो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. मीन्स हमें स्क्वायर फाइंड करना है कि इसमें से किसका स्क्वायर ऑड होगा. द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉरी वुड बी ऑड नंबर्स. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन दिया है फर्स्ट इज 431. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको प्रॉपर्टी रिकॉल है तो हमने कई बार ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर विल बी इन ऑड, एंड इफ यू आर स्क्वायरिंग द इवन नंबर देन आंसर विल बी इवन. बट इफ़ यू फॉरगेट द प्रॉपर्टी, मान लीजिए अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप इसको सॉल्व करके भी अंदाज लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. दे वॉन्ट स्क्वायर मीन्स 431 को हमें 431 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इज नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. ठीक है, हम इसे पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल हम लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करके देखेंगे. जब हम 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो विल गेट 1, 1 3 3, 1 4 4 एंड सो ऑन. ठीक है, मीन्स जब ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, ऑड आएगा. तो ये तो हमने चेक किया, बट आपको प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए. तो क्वेश्चन दिए थे इसमें थर्ड क्वेश्चन के चार पार्ट हैं. फर्स्ट इज 431, सेकेंड इज 2826, थर्ड इज 7779 एंड फोर्थ इज 82004. हमें इसमें से आंसर चूज करना है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड नंबर. तो मुझे फर्स्ट दिख रहा है बिकॉज 1 है, जब 1 का स्क्वायर होगा तो आंसर विल बी ऑल्सो 1 एंड विथ 1. ठीक है, सिमिलरली एक और इसका आंसर क्या होगा, ये 9 है तो 9 9 का क्या आएगा 81, मीन्स लास्ट डिजिट इज 1. बट स्टिल आपको लगता है तो आप एक लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखिए जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे. 9 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 81. तो 8 तो आपका कैरी चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 1. लास्ट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा, सॉरी आंसर नहीं, लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा. ठीक है, अब आपको लगेगा कि ये क्यों नहीं है आंसर, इवन भी हम चेक करके देख सकते हैं. सो व्हाई नॉट विल चेक इवन ऑल्सो. जब हम 6 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो विल गेट 36, तो लास्ट डिजिट आपकी क्या आएगी 6. तो ऑल ओवर द आंसर यूनिट डिजिट आपका क्या रहेगा 6. मीन्स व्हेन यू स्क्वायर द इवन नंबर देन आंसर विल बी ऑल्सो इवन. 6 क्या है, इवन है. सिमिलरली 9 था तो ऑड है, तो इसका आंसर भी ऑड में ही आ रहा है. इसका एंड जो है 1 से है तो आंसर भी 1 से एंड हो रहा है. एंड ये आपका लास्ट है 82004. वैसे आप इसको बाय प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट स्टिल हम एक लास्ट डिजिट चेक करेंगे. 4 4 16, 1 कैरी हुआ, बाकी मल्टीप्लाई अभी हमें करना है. तो नंबर इज एंडिंग विद 6 एंड 6 इज अ इवन नंबर. सो यू कैन कंक्लूड दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमें बताना था तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड. फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू पैटर्न है, आपको करने में मजा आएगा. फोर्थ क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न. एक पैटर्न दिया हुआ है और हमें उसे ऑब्जर्व करना है, और जो भी फिलअप्स दिए हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स.
सबसे पहले हम पैटर्न लिखें जिससे हमें समझ में आए कि हमें क्या करना है. 11 स्क्वायर इज 121. 101 स्क्वायर इज 10201. थर्ड आपका है 1001 स्क्वायर इज 100201. ये तीन पैटर्न देख के हमें क्लियर हो रहा है पहले दो डिजिट है. सेकेंड पैटर्न में बीच में जीरो आ रहा है, तो जब बीच में 10 आ रहा है तो आंसर में भी दोनों जगह 10 आ रहा है. मीन्स 11 का स्क्वायर होता है 121, बट सेकेंड आंसर 101 है. 101 का स्क्वायर क्या है? 10201. सिमिलरली यहाँ जीरो इंक्रीज हो गए, पेयर में हो गए, तो आंसर में भी यहाँ पेयर में जीरो आ गए. ठीक है, अब इसके बाद हमें ऑब्वियस आंसर खुद ही पता होना चाहिए जो हमें फिलअप करना है. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर 4 जीरोज आ गए हैं, तो ऑब्वियस हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 एंड 1, बिकॉज यहाँ पर हमारे 2 की जगह 4 जीरोज हो गए, तो जो हमारा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4 0. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मिसिंग था, तो जो मिसिंग है वो हम फिल कर देंगे. इसके बाद पैटर्न और कंटिन्यू है. 1 3 एंड 3 6 0s हैं, 3 एंड 3, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा यहाँ पर? 1 एंड 6 टाइम्स जीरोज आ जाएंगे. 3 3 3 2 ये 3 एंड ये 3. बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है. जब जीरो नहीं है तो आंसर में भी कोई जीरो नहीं है. 11 स्क्वायर इज सिंपली 121. नंबर 11 से 101 बनाया, तो जो आपका आंसर था उसमें एक और एक जीरो ऐड हो गया. ठीक है, अगले पैटर्न में 2 0 हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 2 और 2 हो गए. लेट सपोज यहाँ पर अगर एक और मिसिंग है, अगर ये होता तो आप वो भी लिख सकते हैं. आंसर होता 3 0s 2 3 0s 1. मीन्स जितने जीरोज हैं वो हमें 121 के अंदर फिट करना है. तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बट फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर करें. इसके बाद एक और पैटर्न हाथ के हाथ में हम ले लेंगे, 5th क्वेश्चन. उसमें भी हमें मिसिंग नंबर पता करना है एंड पैटर्न जो है वो हमें गिवन है. ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इसको ध्यान से देखिए. सबसे पहले हमें 11 के बारे में दिया हुआ है, सेम 11 स्क्वायर इज 121. नाउ 101 स्क्वायर, 101 स्क्वायर कितना हुआ? 10201. ये पैटर्न अभी जस्ट हमने किया. इसके बाद इन्होंने 1001 ना करते हुए कुछ चेंजेस कर दिए. 10101 का स्क्वायर हो, मीन्स फर्स्ट के केस में क्या है? ओनली 11. सेकेंड केस में है 101 एंड थर्ड केस में है इंस्टेड ऑफ 1001 10101. ठीक है, कोई बात नहीं, पैटर्न दिया है, पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा. आंसर दे है रिटर्न 10203021. मतलब 1 से 3 तक गए, 3 से वापस डिक्रीमेंट हो रहा है. पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका आंसर इजीली बता सकते हैं. अब इसके बाद वाली टर्म उन्होंने दिए 10101 स्क्वायर, तो ऑब्वियस आंसर क्या होना चाहिए? 4 तक जाना चाहिए. 10203040302021. Why? Because यहाँ पर था 10101, यहाँ पर एक और इंक्रीमेंट हो गया है 10101. मतलब पैटर्न को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है. जब ये था तो इसका आंसर था 3 तक जा रहा था. मीन्स आप अपनी शॉर्ट टर्म में अगर कुछ आइडिया बनाना चाहें, 1 2 3 1 जो है वो 3 बार आ रहा है. ठीक है, 3 बार आ रहा है, तो ये 3 तक गया और वापस डिक्रीज हो गया. सिमिलरली इसमें अगर देखें तो 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, इसलिए 4 तक गया एंड वापस पैटर्न जो है वो डिक्रीज हो गया. सो इसका लास्ट और इंटरेस्टिंग है, यहाँ का पार्ट मिसिंग दे दिया है एंड नाउ दे हैव गिवन द राइट पार्ट, पैटर्न का राइट पार्ट. 10203040
5040302 01 मीन्स यहाँ पर 5 तक ये जा रहा है, वहां से डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऐसा पैटर्न दिख रहा है हमें। हमने अभी कुछ अपना दिमाग से आइडिया लगाया कि अगर हमें 1 काउंट कर लें तो यहाँ पर 1 थे 4, इसलिए 4 तक गया। अब यहाँ पर 5 है तो मीन्स 5 वंस आना चाहिए। 1 0 1 0 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5। अगर हम इसका स्क्वायर करें सो वील गेट दैट पर्टिकुलर आंसर। मीन्स इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। पहली बात तो पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है और आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखना है। स्टिल कुछ अपने जो क्लूज आप पकड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ 1 काउंट कर लिए, कितने हैं 3, इसलिए पैटर्न 3 तक गया। यहाँ नंबर ऑफ 1 काउंट कर लिए तो ये पैटर्न 4 तक गया। यहाँ नंबर ऑफ 1 हम काउंट नहीं कर सकते थे, पर हमने पैटर्न में देख लिया कि 5 तक जा रहा है, तो हमने नंबर ऑफ 1 अपने मन से लिख दिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, बट इसको आपको डीपली ऑब्जर्व करके आंसर देना है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 6। सेम है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अगेन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। सेकेंड इज गिवन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, अब सडनली यहाँ आ गया 6 एंड यहाँ हो गया 7 स्क्वायर। कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को पहले लिख लें जिससे हम पैटर्न को इजीली समझ सकें। यहाँ 12 आ गया एंड यहाँ पर 13 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, अब यहाँ पर मिसिंग दे दिया, ठीक है, 21 स्क्वायर। एंड इसके बाद है 5 स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ मिसिंग दे दिया प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। एंड लास्ट इज 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस -(-)² अब हमारे पास ये पैटर्न है और इस पैटर्न से हमें आइडेंटिफाई करना है कि मिसिंग नंबर्स क्या होंगे। सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे पैटर्न में कि फर्स्ट का सेकेंड से या सेकेंड का थर्ड से क्या रिलेशन है। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है मेरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, राइट, एक ज़्यादा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है। द नंबर बिटवीन टू फर्स्ट, द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टू नंबर्स इज एक इंक्रीमेंट है, सक्सेसर, यू कैन से सक्सेसर। तो जब यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 6, ठीक है। अभी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पर मैंने अंदाज लगा के यहाँ पर लिख दिया 6 स्क्वायर, और उसके बाद भी ये फुलफिल हो रहा है, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 आ गया, ठीक है। ये तो हुआ द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स। नाउ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म जो है यहाँ 1 2 और 2 ही है, मीन्स कोई इंक्रीमेंट तो नहीं है, बट सडनली यहाँ 3 है और यहाँ 6 हो गए। अब ये तो सोचने वाली बात है कि इसमें क्या चेंजेस हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट टू टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 1 2 जा क्या मिलेगा हमें, 2। सिमिलरली 2 3 जा व्हाट विल यू गेट, 6। 3 4 जा सो व्हाट यू विल गेट, 12। सो ऑब्वियस सी बात है 4 5 जा तो यहाँ क्या आना चाहिए, 20 स्क्वायर, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दैट द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टू टर्म इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टू टर्म। अब आप कहीं भी चेक करके देख लें, लाइक इसमें हमने ली 5 6 जा सो यू विल गेट 30, इट इज वेरीफाइंग ऑल्सो। 6 7 जा तो यहाँ क्या आना चाहिए, 42 स्क्वायर। इक्वल टू के लेफ्ट पार्ट के हमने सारे पैटर्न्स को कंप्लीट कर लिया। नाउ राइट पार्ट, इक्वल्स टू के राइट साइड में, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 13 है, 21 है, कोई रिलेशन आपस में नहीं दिख रहा है, बट द रिलेशन बिटवीन फोर्थ टर्म एंड सेकेंड थर्ड टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फोर्थ और थर्ड में क्या रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 आ रहा है, ऑब्जर्व करिए, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 12 है
So here it is 13. If here it is 20, then here it is 21. So if it is 30 and 31, तो यहाँ 42 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? It's a common sense कि यहाँ 43 का स्क्वायर आएगा, ठीक है? कैसे हमने इसको ऑब्जर्व किया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. लास्ट टर्म जो है, पहले हमने उसको ऐसे देखा, तो ये तो कुछ अलग सा ही दिख रहा है. 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है, और जो भी है, इनका तो आपस में कोई कॉम्बिनेशन या कोई टेबल या इनको ऐड करने से ये नहीं आ रहा है. बट द लास्ट टर्म इज रिलेटेड विद द थर्ड टर्म. हाउ? यहाँ पर जो भी है उससे एक सक्सेसर यहाँ पर ज़्यादा है, एक का इंक्रीमेंट है. यहाँ 6 है, तो हेयर इट इज 7. यहाँ 12 है, सो हेयर इट इज 13. 20, 21, 30, 31, सो 42. तो इधर आंसर क्या होगा आपका? 43. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पैटर्न. इसको आपने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू भरा, और जो समझना बहुत ज़रूरी है. सो दोस्तों, अभी हमने 1 से लेके 6 तक किए, जिसमें कुछ पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन किए. नाउ 7th इज अनदर डिफरेंट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी. जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं स्क्वायर में, उसका एप्लीकेशन है. विदाउट एडिंग फाइंड द सम, मीन्स हमें ऐड करके सम फाइंड नहीं करना है, थ्रू प्रॉपर्टी करना है. एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास ऑड नंबर है, लाइक 1, 3 एंड 5. कितने ऑड नंबर हैं ये? 3. 1, 2, 3. अगर हम इनको ऐड करें, सो आंसर विल बी 3 स्क्वायर, मीन्स 9. ठीक है, अब आप ऐड करके भी देखें. 5 एंड 3, 8. 8 एंड 1 इज 9. एक और ले लें, 1, 3, 5, 7. इफ़ वी हैव 4 ऑड नंबर, तो हम इनका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर मीन्स 16. अब आप इसे ऐड करके भी चेक करें, तो 7 एंड 3, 10 एंड 5 एंड 1, 6, तो 16 आ रहा है, राइट. तो व्हाट द प्रॉपर्टी इज? प्रॉपर्टी सेज इफ यू आर हैविंग ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट यू काउंट नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. वो नंबर ऑफ जो आप काउंट करोगे उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा. आपको सम करने की जरूरत या ऐड करने की जरूरत नहीं है. प्रॉपर्टी रिकॉल हो गई. फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. सो पहले मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगी. इसका आंसर होगा 25. हाउ? मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं राइट डाउन कर रही थी तभी मैंने इनको काउंट कर लिया. 1, 2, 3, 4, 5. दे आर 5 ऑड नंबर्स. और आंसर का तरीका क्या होगा? अगर आपके पास ये 5 ऑड नंबर हैं, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए. तो मैंने क्या करा, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स काउंट कर लिए और उसका स्क्वायर करा, तो आंसर इज 25. अब आप इसे चेक भी करके देखें. 9 एंड 1, 10. 7 एंड 3, 10. 20 हो गया. 20 एंड 5, 25. बट ये तो छोटा है, तो आपने ऐड करके देख लिया. अब अगर बड़ा दे देंगे तो क्या आप ऐड करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे. एंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? नंबर्स काउंट कर लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए. ठीक है, तो इसका सेकेंड जो है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 13 15 17 एंड 19. सम को देख के डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है. इसको काउंट कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मीन्स योर आंसर विल बी 10 स्क्वायर. एंड 10 स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 100. तो अगर आप इसको प्लस भी करेंगे तो इसका आंसर 100 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा. सो स्टूडेंट, यहाँ प्रॉपर्टी लगाना ज़्यादा आसान हुआ. क्या आप इसको ऐड करना पसंद करेंगे? नहीं, आप क्या पसंद करेंगे? प्रॉपर्टी लगाना. बिकॉज प्रॉपर्टी सेज देयर इज नो नीड टू ऐड, जस्ट काउंट द नंबर्स एंड उसका स्क्वायर कर दीजिए. ठीक है, इसके बाद जो दिया है वो और थोड़ा सा लेंदी है, बट बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि हमें इसका ट्रिक आ गया है. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19. सारे ऑड नंबर दिए हुए हैं, 21 एंड 23.
इसको भी हम काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो नंबर्स कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आर 12. सो योर आंसर विल बी 12 स्क्वेयर. 12 स्क्वेयर मीन्स 12 इंटू 12. जो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ 12 इज 144. मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 तक के स्क्वायर हमको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए. तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144. अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे तो इसका आंसर 144 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा. तो बहुत ही डिफरेंट और सिंपल सा क्वेश्चन था. इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है. अभी हमें नंबर्स उनके प्लस दिया हुआ था, सम दिया हुआ था, यहाँ पर हमें आंसर दिया है और इस फॉर्म में जमाना है. ठीक है, 8th इज बेस्ड ऑन 7th ओनली. एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. मीन्स 7th क्वेश्चन का जस्ट उल्टा क्वेश्चन है. हमें 49 आंसर पता है और उसको एक्सप्रेस करना है. तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 7 तक का करना है हमें, 4, 5, 6 + 30. इनको अगर हम ऐड करके देखेंगे तो 49 ही आएगा. ठीक है, क्या किया हमने? 7 ऑड नंबर्स में उसको ब्रेक कर दिया. वैसे भी 7 ऑड नंबर्स है, इसको हम क्रॉस चेक कर लें तो इसे गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इसका आंसर क्या होगा? 7 स्क्वायर मीन्स 49. राइट लेफ्ट दोनों तरीके से हमने इसे देख लिया. सेकेंड है एक्सप्रेस 121, इसी का सेकेंड पार्ट. ये फर्स्ट था एक्सप्रेस 121 एज सम ऑफ, मान लीजिए यहाँ नहीं भी दिया है तब भी हम कहेंगे 11 नंबर्स का सम होगा. वाई 11 नंबर्स? क्योंकि हम नंबर काउंट करेंगे तो 11 आएंगे. 11 का हम स्क्वेयर करेंगे देन ओनली यू विल गेट 121. तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 121 इज इक्वल टू 11 स्क्वेयर. तो आप 11 नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 गिन लीजिए जरा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक और आएगा. ठीक है, इनको अगर आप काउंट करेंगे तो ये 11 नंबर हैं. तो 11 का स्क्वायर इज ऑलवेज 121. तो 121 का अगर हमें इस फॉर्म में सम लिखना है तो हमें 11 और नंबर्स लिखना पड़ेंगे. अभी हमने 144 वाला जस्ट सॉल्व किया है. 144 किसका स्क्वायर है? 12 का. तो यहाँ पर हमें 1, 3, 5, 7 ऐसे 12 नंबर तक इसको लिखना पड़ेगा. ठीक है, जस्ट अभी हमने किया तो उसका वाइस वर्सा भी हमने ले लिया. सो दिस वॉज 8th क्वेश्चन. नाउ 9th क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग. सिंपल सा क्वेश्चन है. हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, 9th क्वेश्चन, numbers lies between squares of the following. ठीक है, first is 12 and 13. स्टूडेंट पहले मैं इसको सीधे तरीके से करके बताऊंगी, फिर प्रॉपर्टी के थ्रू बताऊं. सिंपल तरीका है, दे आर आस्किंग अबाउट द स्क्वायर्स. तो आप क्या करेंगे? इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे. द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 एंड द स्क्वायर ऑफ 13 इज 169. राइट, अब आपको वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग. 144 से 169 के बीच कितने नंबर आएंगे? 144 को तो नहीं लेंगे बिकॉज दे आर आस्किंग बिटवीन. तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? 145, 146, 147, 148 ऐसे आप
काउंट करेंगे 168 तक, ठीक है। ये नंबर जब आप काउंट करेंगे तो योर आंसर विल बी 24, मीन्स 24 नंबर आएंगे 144 और 169 के बीच। बट ये तो छोटा सा स्क्वायर आया तो आप एबल थे काउंट करने के लिए, बट अगर ये बड़ा आ जाएगा तो क्या आप काउंटिंग करते रहेंगे? नहीं। तो देयर शुड बी वन शॉर्ट ट्रिक, बट स्टिल मैंने इसको इस प्रोसेस से बताया कि अगर आपको नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी भूल गए हैं, तो आप स्क्वायर निकाल के नंबर काउंट भी कर सकते हैं। बट ये बाय चांस है कि बहुत छोटे नंबर आए 144 और 169, अगर हजारों में लाखों में आएंगे देन क्या आप काउंट करेंगे? नहीं। तो इसका सिंपल तरीका होगा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या है? 25। उससे एक लेस देन, एक नंबर लेस करेंगे तो 25 माइनस 1 करेंगे, सो योर आंसर विल बी 24। सो 24 नंबर्स विल लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। काउंट करके भी हमने देख लिया, काउंट करने की बजाय पहले तो हमने स्क्वायर निकाला फिर काउंट किया, इसके बजाय रादर देन डूइंग दिस व्हाट विल डू, विल ऐड दिस टू और उससे एक लेस कर देंगे और उसका प्रीडिसर निकाल लेंगे, जो भी आप कहें, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेंगे, अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इज फाइंड द नंबर्स स्क्वायर बिटवीन 25 एंड 26। आपको जैसा बताया, आप चाहें तो इनका स्क्वायर निकालें और फिर काउंट करें, आई विल नॉट प्रेफर दिस। मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी, 25 प्लस 26 कितना आएगा? 51। द प्रीडिसर ऑफ 51 इज 50, मीन्स एक लेस देन कर दिया। तो नंबर कितने लाई करेंगे? 50 नंबर लाई करेंगे इन दोनों के स्क्वायर के बीच, ठीक है। थर्ड जो है आपका 99 एंड 100, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप 99 का स्क्वायर निकालिए, 100 का स्क्वायर निकालिए और उनके बीच के नंबर काउंट करिए। वेरीफाई करने के लिए आप ये घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, बट हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 99 प्लस 100 कितना आएगा? 199। सो योर आंसर विल बी प्रीडिसर ऑफ 199 और यू कैन से 1 लेस देन 199, तो आंसर विल बी 198। इनको ऐड किया और उससे एक कम कर दिया। अब अगर आप इनके स्क्वायर करेंगे और उनके नंबर बीच के काउंट करेंगे तो 198 नंबर्स आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग स्क्वायर एंड काउंटिंग, यू कैन यूज प्रॉपर्टी डायरेक्टली कि आपको जो भी दिया है उन दोनों को ऐड करिए। जो एडिशन आया, लेट से 50 आया, तो 49 विल बी योर आंसर। लेट से योर आंसर इज 100, सम जो है 100 आया, तो योर आंसर विल बी 99, ठीक है। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हमने 7, 8 एंड 9 सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।